हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम है साक्षी चौरसिया तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ ये जो प्रोसेस है ना गाइस ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इस प्रोसेस में सिर्फ आपको दो मिनट लगेंगे स्टॉक सेलेक्ट करने में जिसके बेसिस में गाइज आप ईजीली इंट्रा के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू गाइज आप ईजीली इंट्रा से एट थाउजेंड रुपीज डेली अर्न कर सकते हैं फोर थाउजेंड well, से भी ज्यादा स्टॉक होंगे गाइज और उसमें से उन स्टॉक को आइडेंटिफाई करना जिनमें अच्छा मूव हो जिसके थ्रू हम पैसे अर्न कर सकें वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है राइट इसीलिए आज के दिन मैं आपके साथ एक स्क्रीनर शेयर करूंगी जिसके थ्रू गाइज आपको इन स्टॉक को सिलेक्ट करने में इजी होगा जिसके बेसिस में आप इजीली इंट्रोडे के स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं तो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो उसके पहले गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आप ऐसी ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो देख सके और अपने जो ट्रेडिंग नॉलेज है उसको एनहेंस कर सके एंड ऑल्सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट कीप मी मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोज फॉर यू ओके तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर दें वेल well, गाइज इसमें मैं आपके साथ स्क्रीनर शेयर करने वाली हूँ वो स्क्रीनर एब्सोल्युटली फ्री है उसके लिए आपको कोई भी पेड वो लेने की जरूरत नहीं है और ये जो प्रोसेस है ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है इट जस्ट टेक टू मिनट्स टू डू दैट प्रोसेस और अगर आप स्क्रीनर में इसको सेव कर लेते हो तो ये प्रोसेस और भी सिंपल हो जाती है बट प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले गैस यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है जो कि आपको देखना होगा इस स्ट्रैटेजी आई मीन टू से इस स्क्रीनर को यूज करने से पहले सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि आपको करना है दैट इज गाइस की आपको हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग में वही स्टॉक में ट्रेड करना है जो कि लिक्विड हो येस yes, गेस उनमें अच्छी वॉल्यूम होना चाहिए और वो जो स्टॉक है वो लिक्विड होना चाहिए बिकॉज काफ़ी सारे लोग होते हैं वो ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर लेते हैं गए जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती और बाद में उनको उस स्टॉक से एग्जिट होने में काफी प्रॉब्लम होती है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लिक्विडिटी वाले स्टॉक में ही ट्रेड करें सेकेंड थिंग है गाइज आपको उन स्टॉक में ट्रेडिंग अवॉइड करना है जिनमें अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट लगा हुआ बिकॉज गाइज इसमें ट्रेड में एंट्री और एग्जिट में बहुत प्रॉब्लम जाती है इसलिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले जितने भी ट्रेड हैं वो आपको अवॉइड करना है ओके दैट इज द सेकेंड थिंग थर्ड थिंग गाइज कि आपको हमेशा जो पेनी स्टॉक है उसमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी है आपको कभी भी पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करनी है ओके नाउ द फोर्थ पॉइंट इज गाइज कि आपको न्यूज बेस्ड जो स्टॉक में ट्रेडिंग होती है वो अवॉइड करना है इफ़ यू आर अ बिगनर गाइज क्या होता है जो न्यूज बेस्ड स्टॉक होते हैं उसके जो मूवमेंट होती है वो भी न्यूज के अकॉर्डिंगली होती है कभी काफी ज्यादा हाई वॉलिटिलिटी के साथ होती है इसलिए अगर आप एक बिगनर है तो आपको न्यूज बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है वो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है तो गाइज इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप इस प्रोसेस को यूज कर बिकॉज ये स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंस रखा था चार चीजें ध्यान में रखना है ठीक है अब गाइज हम बात करते हैं उस स्क्रीनर की तो गाइज स्क्रीनर के लिए यूज कर रही हूं टिकट टैप का प्लेटफॉर्म ये गाइज इट इज एप्सोल्यूटली फ्री इसमें आप सिंपली अपना जो स्क्रीनर है उसको बना सकते हैं देखिए मैं आपको यहां पर स्क्रीनर पर लेके चलती हूं ओके okay गाइस तो देखिए यहाँ पर जो है हमने टिकट टैप का प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है देखिए यहाँ पर जब आप यहाँ पर टिकट टैप पे जाएंगे ना गाइस तो आपको यहाँ पर एक स्क्रीनर का ऑप्शन मिलेगा आपको इस पे क्लिक करना है एंड यस गाइस इस पे क्लिक आई मीन टू से यहाँ पर जो हमारा स्क्रीनर है उसको बनाने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पर लॉग इन कर लें बिकॉज इससे क्या होगा आप इसको इजीली सेव कर पाएंगे अब देखिए गाइज यहाँ पर स्क्रीनर ओपन हो गया है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी टू स्टॉक हैं जिसमें से आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्ट करना है देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं सबसे पहले आता है स्टॉक यूनिवर्स का ऑप्शन तो गाइज़ यहाँ पर आपको निफ्टी फिफ्टी निफ्टी हंड्रेड और निफ्टी मिड कैप है तो गाइज यहाँ पर हम निफ्टी हंड्रेड चूज़ कर लेंगे बिकॉज हम हंड्रेड स्टॉक में सिलेक्ट करने वाले हैं और हमने निफ़्टी के इसलिए चूज़ करना हैं बिकॉज गाइज इसके अंदर हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक होंगे जिनों की वॉल्यूम भी हाई होगी तो इट विल भी ईजी फॉर अस ओके और यहाँ पर कोई भी पैनी स्टॉक भी नहीं होगा तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है तो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि हमें स्क्रीनर में पुट करना है सेकेंड गाइज यहाँ पर सेक्टर का ऑप्शन मिलता है अगर आपको सेक्टर बेसिस ट्रेडिंग करना है तो आप यहाँ पर सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं बट मुझे ये नहीं करना है आपकी ठीक है यहाँ पे गाइज इसके बाद आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन बिकॉज इंपॉर्टेंट है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्योंकि जिससे क्या होगा हम हाई वॉल्यूम और हाई लिक्विडिटी वाले सिलेक्ट करेंगे तो गाइज यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया कि टेन थाउजेंड से हायर ही मार्केट कैप होना चाहिए ठीक है देखिए यहाँ पर आपको जब इसको सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है यहाँ पर इसके बाद गाइज यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज क्लोजिंग प्राइस से जो हम हमारे जो पैनी स्टॉक है उनकी प्रोबेबिलिटी कम कर लेते हैं यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरा जितना भी स्टॉक हो उनकी प्राइस 150 से अबव होनी चाहिए और मैक्स मैं चाहती हूँ कि मैक्स हो यहाँ पे तो मैं चाहती हूँ कि सेवन थाउजेंड यहाँ से मैक्स हो देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपको शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे इसके बाद गाइज पीई रेशो आप यहाँ से हटा दीजिए बिकॉज हम इंटरडेट ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं गाइज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब जो मैं पुट करने वाली हूँ वो है बिकॉज यही हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन में हेल्पफुल होता है दैट इज गाइज यहाँ पर देखिए आपको प्राइस एंड वॉल्यूम के सेक्शन में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि हमें करना है सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि मैं यहाँ पे करूंगी वो है गाइज की यह अपने फिफ्टी टू वीक जो लो है गाइस उससे अबे होना चाहिए ठीक है और सिमिलरली 52 वीक हाई से भी सॉरी uh, यहाँ पे 52 वीक हाई से भी uh, वो होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर मैंने ये दो पुट कर लिए सबसे पहले मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ देखिए यहाँ पर ठीक है गाइस तो यहाँ पे जो 52 वीक लो है गाइस मैं चाहती हूँ कि यहाँ से वो टेन उससे अबव हूँ ठीक है यहाँ पे देखिए मैं ये कर दूंगी ठीक है सिमिलरली फिफ्टी टू वीक हाई में भी हम यहाँ पर टेन कर देंगे क्या होगा जिससे जो 52 वीक हाई और लो के पास जो स्टॉकिंग आइज वो हट जाएंगे यहाँ से ठीक है देखिए इस तरीके से तो अब हमारे पास 45 स्टॉक है ठीक है यहाँ पर अब देखिए इसके बाद गाइज हम यहाँ पर एक और चीज पुट करेंगे दैट इज गाइज हमारी है डेली वॉल्यूम डेली वॉल्यूम वॉल्य। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज गाइज आई एस आई टोल्ड यू की इंटरडेट ट्रेडिंग में वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे देखिए आपको वॉल्यूम पुट करना है जब आप वॉल्यूम पे जाएंगे ना तो गाइस सिमिलरली आपको हाई पुट कर देना है क्योंकि हमें ज्यादा ही हाई वॉल्यूम वाले ट्रेड चाहिए तो देखिए इस तरीके से ये सारी चीजें पुट हो गई ठीक है गाइस अब इसमें हम एक और चीज पुट करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज बीटा तो, तो यहां पर आप सर्च में जाइए और यहां पे देखिए आपको ये बीटा मिलेगा ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको बीटा पे क्लिक कर देना है डन आप करेंगे ना गाइस तो देखिए यहाँ पर जो है बीटा आ गया है ओके okay गाइस तो यहाँ पर देखिए आपको बीटा पुट कर लेना मैं आपको एक्सप्लेन कर बीटा होता है क्या जो गाइस बीटा होता है ना ये जनरली हाई वॉलेटिलिटी शो करता है कि मार्केट जितना भी करेगा, कि ट्रेडिंग में हमें उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए जिनमें अच्छी वॉलेटिलिटी हो जिन्होंने जिनमें मूवमेंट अच्छा हो जिनकी जो रेंज है वो काफी हाई हो ताकि आपको ईजी हो टेन से ट्वेंटी पॉइंट कैच करने में इसलिए हम यहाँ पे बीटा यूज कर रहे हैं और गाइज यहाँ पर आप आपको बीटा हाई कर देना है दैट इज की जो बीटा है वो वन से फोर के बीच में हो देखिए इस तरीके से तो यहाँ पे गई हमारे फिफ्टीन स्टॉक्स जो है वो आ गए हैं और हमें इन्हीं ही फिफ्टीन स्टॉक के अंदर गायस एंट्रॉयट्रॉड ट्रेडिंग करना है अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इन फिफ्टीन स्टॉक के बेसिस में आपको जो है ट्रेड लेना है तो देखिए जैसे कि फर्स्ट है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक है यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे चलती हूँ यहाँ पे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज समझते हैं ओके okay गाइस तो देखिए यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री ओपन हो चुका है अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इन जो हमने स्टॉक सिलेक्ट करे उसके अंदर आपको किस तरीके से मार्केट में ट्रेड लेना है तो देखिए गाइस इसके लिए हम बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे दैट इज गाइस मूविंग की स्ट्रेटेजी आप चाहे तो अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस में चाहें तो भी आप कर सकते हैं बिकॉज ये वो स्टॉक है जिनमें हाई लिक्विडिटी है हाई वॉल्यूम है मार्केट की मूवमेंट काफी अच्छी है ठीक है ये वो वाले स्टॉक है तो देखिये मैं यहां पर सिंपल मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी यूज करी यहां गाइज

अब अगर आप देखेंगे तो हमने रिलायंस इंडस्ट्री ओपन करी अब देखिए फर्स्ट जुलाई के दिन यहाँ पर जो हमने स्टॉक सेलेक्ट करें उसके बेसिस में ये अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिलो है तो देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट सेल करना है जो भी फर्स्ट कैंडल है आपको देखिए यहाँ पर वेट करना है बिकॉज ये मूविंग एवरेज के बिलो है तो हमें रेड कैंडल का फॉर्मेशन का वेट करना है अब यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हुई तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रेड करना है स्टॉप लॉस आपको इन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के अपसाइड पुट करना है और देखिए गाइज यहाँ पर आपको स्ट्रेट 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता अगर आपने इसके बेसिस में ट्रेड लिया होता अगेन यहां पर इसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को टच किया रेड कैंडल फॉर्म हुई थी आपको सिंपली यहाँ पर ट्रेड ले लेना था स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर पुट करना था और देखिए इस तरीके से अगेन आपको पूरे पूरे सेवेंटी पॉइंट्स का इसमें प्रॉफिट होता ठीक है ये बहुत ही सिंपल वे जैसे देखिए हमारा जो सेकंड है वो है आईसीआईसीआई बैंक देखिए मैं यहाँ पर चलती हूँ ओके okay, तो देखिए यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ओपन हो गया अब देखिए सिंपल है ये अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके बिलो है तो सिमिलरली यहाँ पर हमें शॉर्ट सेल का ट्रेड लेना है स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर पुट करना है और देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रेट पूरा पूरा सेवन पॉइंट का प्रॉफिट होता जैसे ही अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करके कहीं अपसाइड जा रहा है ना तो यहाँ पर आपको बाइंग की पोजिशन क्रिएट कर लेना स्टॉप लॉस यहाँ पर पुट करना है और देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर बाइंग के ट्रेड भी ले सकते हैं और शॉर्ट के भी ट्रेड ले सकते हैं देखिए यहाँ पर तो देखिए गाइज यहाँ पर ओवरऑल पूरे 15 स्टॉक हैं आप किसी भी स्टॉक में इसके बेसिस में इजीली ट्रेड ले सकते हैं और ट्रस्ट में गाइज अगर आप इसके बेसिस में ट्रेड लेते हैं तो आप मार्केट में डेफिनेटली प्रॉफिट बनाएंगे क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही अच्छी है इसमें आपको हाई मूवमेंट वाले ट्रेड मिलेंगे जिसके बेसिस में गाइज आप ट्रेड कर सकते हैं देखिए यहाँ पर और गाइज आप इस स्क्रीनर को सेव कर सकते हैं देखिए यहाँ पर आपको सेव करना है यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं इस स्क्रीनर को देखिए ऑलरेडी है राइट ये बिकेस मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ ये देखें इस तरीके से आप यहां पर इसको सेव कर सकते हैं और गाइज इस तरीके से आपका जो स्क्रीनर है वो सेव हो जाएगा तो आपको ये डबल से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और इस तरीके से आप सिंपली इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड ले सकते हैं तो गाइज यही थी आज की वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस पसंद आया तो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो भी सही तरीके से इंट्राडे के स्टॉक सेलेक्ट कर सके मार्केट में और ट्रेड ले सके सो थैंक यू सो मच गाइस यही थी आज की वीडियो आई होप आपको ये पसंद आई हो अगर आपको ये पसंद आई तो Like this video, share this video and also do subscribe to my channel for more trading related videos. And uh, thank you. Hai next video me then Keep learning, keep earning and keep improving in trading. Okay?